हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्लास 10 का जो टी रेशियोज है उस पर चलते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, और ये सिंपल क्वेश्चन में जो विशेष हिडन जो चीज़ें हैं उनको मैं इसमें बताऊंगा। बहुत शॉर्टकट में भी लोग बनाते हैं, लेकिन क्या वो सही है इसको भी जानना आपको जरूरी है। तो देखिए, गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड कोस ए। इतना ही तक क्वेश्चन था, बाकी हमने और भी ले लिया, टेन ए से के एंड कोसे के। इसको बनाना है तो सिंपली आप कैसे इसको बनाएंगे, और ये सारी जो हमने के लिखे हैं, हमारे द्वारा लिखा गया के, ये जो फिगर बकायदे हमने ड्रॉ किया है, क्या इसकी जरूरत है इसमें, तो देखते हैं। इसको पहले बनाते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों है। चलिए सीधे देखते हैं। यहाँ पे लेट ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। इसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कि हमने यहाँ पे बी ही क्यों लिखा, यहाँ हमने ए क्यों नहीं लिखा, क्या हम लोग ए यहाँ पे लिख सकते थे, क्या हम लोग सी यहाँ पे लिख सकते थे, ये हम लोगों को देखना है। तो 15 cot a इक्वल टू 8, यदि इसको करेंगे आप आगे बढ़ेंगे तो cot a इक्वल टू 8 बाई 15। तो देखिए 10 का आप जानते हैं tan थीटा p बाई बी होता है, cot उसका रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए यदि tan p बाई बी होता है तो cot जो है वो b बाई पी होगा, यानी बेस और ये परपेंडिकुलर। ये ए एंगल है, इसके लिए बेस आपका ये कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये 15 यूनिट है, ये 8 यूनिट है, हमने लिख दिया यहाँ पे। देयरफॉर हमने लिखा है ए बी इक्वल टू 8 के, ए बी इक्वल टू 8 के, दैट इज ये क्या हो गया आपका, ये कौन है, बेस है, इस एंगल के लिए बेस है। एंड बी सी इक्वल टू 15 के, ये 15 ये क्या है, इस एंगल की ये परपेंडिकुलर कहलाता है, जो एंगल हम लोग लेते हैं उसका अपोजिट वाला ही परपेंडिकुलर होता है। तो AC चूंकि यहां पे जैसा फिगर में आप देख रहे हैं AC हाइपोटेनियस है, तो AC इक्वल टू हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसमें हमने निकाल लिया 289 के, यदि आप निकालेंगे तो 17 आएगा, एंड K स्क्वायर के यदि रूट निकालेंगे तो आप K होगा, तो 17 के इतना हमारा आया। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर साइन ए कितना होगा, इसके बाद हम लोग इतना करने के बाद बात करेंगे कि K हमने क्यों लिया और ये फिगर हमने क्यों बनाया। साइन ए क्या होता है, फॉर्मूला के अनुसार P बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर पी आपका यहाँ पर इसके लिए ये 15 के है, ये आपका हो गया 15 के, एच हमने निकाला 17 के, के टू के आप कैंसिल हो गया, दैट इज आपका 15 बाई 17। अब यदि कॉस की बात करेंगे, कॉस ए दैट इज बी बाई एच बी, इसके लिए बी आपका 8 के है, ये आप यहाँ पे लिख रहेंगे, दैट इज ये ए बी जो है ये आपका बी है एंड ये आपका पी है, तो बी बाई एच, तो 8 के बाई एच 17 के कैंसिल 8 बाई 17। 10 के करेंगे 10 ए, सिंपली आप जानते हैं पी बाई बी होता है, या फिर आप इसको रिवर्स कर देंगे पी बाई बी, तो दैट इज 15 के बाई 8 के कैंसिल 15 बाई 8। इसके बाद यदि बात करें हम लोग सेक ए, सेक ए आप क्या करेंगे, इनवर्स दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस ए, कॉस ए का रेसिप्रोकल 8 बाई 17, दैट इज सिंपली आप 17 बाई 8 लिख देंगे। कॉसेक ए, कॉसेक ए रेसिप्रोकल ऑफ साइन, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 17 बाई 15। ये आपका हो गया आंसर। अब हम लोग बात करेंगे के क्यों लेना जरूरी है। सबसे पहले आप फिगर इसलिए ड्रॉ करेंगे क्योंकि जब तक आपको इसको ड्रॉ नहीं करेंगे तो आप इसको ये नहीं बता सकते कि कौन सा साइज आपका क्या है। चूंकि यहां देखिए ए एंगल दिया हुआ है, तो ये जो ए एंगल है इस फिगर में आप ए को कभी भी राइट में नहीं लिख सकते, यानी बी के यहाँ पे जो है इस जगह पे राइट एंगल आप इसको नहीं बोल सकते, इसलिए यहाँ पर ए नहीं हो सकता है, यहाँ पर आपका सी या बी दोनों हो सकता था। यहाँ यदि आप सी ले लेते यहाँ आपका बी हो जाता तब ए बी कहलाता, लेकिन यहाँ आप ए नहीं ले सकते हैं, पहला फंडामेंटल, चूंकि ए दिया हुआ है, ये जब भी होगा राइट एंगल तो चूंकि ए हमारा आपका राइट एंगल नहीं है इसलिए नहीं होगा। दूसरी चीज, के हमारा जो लिया जाता है इसके बारे में आप समझ लीजिए, जब भी ये जैसे 8 बाई 15 है, कोई भी चूंकि ये 8 बाई 15 है, ये एक रेशियो के रूप में है, एक रेशियो कहने मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 8 बाई 15 इज इक्वल टू 16 बाई 30 भी हो सकता है, यदि आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े होंगे तो आप इस चीज को जान रहे हैं। इसी के इक्वल यदि आप 8 3 24 45, ये सभी आपस में इक्वल है, लेकिन क्या है इसमें से कोई ना कोई कोई क्वांटिटी ऐसा है जो कि सब में कॉमन है। यदि इसको 2 से आप यदि ऊपर नीचे इसको कैंसिल करते हैं तो 8 बाई 15 आएगा, ये 3 से करते हैं तो 8 बाई 15 आएगा, यानी कोई एक नंबर जो है इसमें ये दोनों में मल्टीप्लाई हुआ रहता है
उसी को करने के लिए हम लोग मान कर चलते हैं कि कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई है जो कि कुछ भी वैल्यू हो सकता है। यदि इसमें यहाँ पर यदि k की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 8k, दैट इज 8 इंटू 2 16, 15 इंटू 2 30 आएगा। तो इसलिए k जो है कांस्टेंट टर्म को आपको एक लिया जाता है। इस तरह से यदि आप बनाते हैं तो आप 100% मार्क्स के आप इसमें भागीदार हैं। यदि ये पूरा का पूरा नहीं बनाते हैं तो इसमें नंबर आपको कट सकता है। आप मेरे ख्याल से पूरी तरह समझ गए हैं, तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, और क्वेश्चन हो तो जरूर भेजेंगे।